देखो आप अपने सेनपाई को कुत्ता, कमीना, अश्लील इंसान भी बोल सकते हो। आई मीन जिस तरीके के मैं पोस्टर्स लगाया करता था, आई कैन अंडरस्टैंड। मैं बहुत सारे गलत काम करता हूँ, पर मैंने आज तक NTR का मतलब पता चलने के बाद उसको कभी रीड नहीं किया। एंड यू नो व्हाट, आई एम प्राउड ऑफ दैट शिट। मैं इतना ज्यादा प्राउड करता हूँ उस चीज के ऊपर कि जितना मैं क्लास में टॉप आने पे नहीं हुआ था, बट क्या मैं टॉप आया भी था। अगर आपको NTR का मतलब नहीं पता है, उसमें बेसिकली चीटिंग होती है, रिलेशनशिप की बैंड बजना होती है, और धोखा देना ये पता नहीं कैसे एंजॉय कर सकते हो आप देखते हो। बट इस प्राउड को बचाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बिकॉज जब एक अच्छा आर्टिस्ट जिसका आर्ट वर्क गॉड लेवल का है वो जब NTR करता है, तब मुझे कंट्रोल नहीं होता। ये मेरी वीकनेस है, जैसे वो हैंगकॉन्ग की लूफी है, देखते बरोबर पिघल जाती है ना, वैसे ही होता। उसके ऑथर उस आर्ट वर्क को बनाने में इतना ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं कि वो आंखों के लिए आपके एक ट्रीट से कम नहीं होता। आई मीन जस्ट लुक एट दिस आर्ट वर्क्स। भगवान ने मुझे आंखें ही इसीलिए दिया कि मैं इन सभी आर्ट वर्क्स के मजे ले सकूं। एंड दे लुक सो होलसम। एक कपल जिनको हाथ पकड़ने में शर्म आती है, गाल लाल हो जाते हैं, स्वीट एज अ फकिंग केक, है ना सही बोल रहा हूँ ना मैं? बिल्कुल नहीं। ऐसे आर्टवर्क को देखने के बाद मैं भूल जाता हूँ जो मुकेश को कैंसर दिया था ना गुटका ने, उससे ज्यादा खतरनाक कैंसर दे सकता है NTR, और स्पेशली जब उसका नाम इतना ज्यादा ट्विस्टेड हो। GF स्वैप Not like this। स्टोरी उतनी सिंपल है जितनी साउंड करती है। गर्लफ्रेंड स्वाप होने वाली है, कपल्स जो कि कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, वो बोर हो चुके हैं अपनी नॉर्मल लाइफ से, वो इस चीज में हाथ डालते हैं। सिंपल, और मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ अच्छा भी लग रहा होगा, बट बिल्कुल नहीं। चीजों को स्पाइस अप करने के लिए एक्सट्रीम से एक्सट्रीम चीजें हैं, बट ये कोई तरीका नहीं है भाई। बट इसमें तो रूल्स है ना। क्या मतलब कि इसमें भी रूल्स हैं? लेट मी ओके, कुछ रूल्स तो हैं, जैसे कि जो कॉन्टेक्ट इन्फो होगा वो सिर्फ लड़के ही शेयर करेंगे। सेकंड रूल, नो सीक्रेट मीटिंग्स आफ्टर डेट स्वैप, मतलब एक बार जब हो गया तो उसके बाद अब नो बॉन्ड। थर्ड वन, दोनों को अपने पार्टनर्स को सब कुछ बताना पड़ेगा जो जो उनके साथ हुआ। फोर्थ वन इज दे हैव टू यूज सेफ्टी व्हाइल डूइंग दिस डे। अब आपका तो पता नहीं, पर इन रूल्स को सुनने के बाद मेरा दिल और ज्यादा धक धक कर रहा हूँ, मुझे कोई सेंस भी नहीं लग रहा। इनफैक्ट ये तो थर्ड रूल है, ये तो चीजों को और भी ज्यादा बुरा बना रहा है। बट जब मुझे लग रहा था कि चीजें चलो ठीक ठाक ही सी हो जाएगी, तभी मुझे पता चलता है कि ये दोनों जो कपल्स हैं वो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। इंडिया में लोग शादी तक वर्जिन रह जाते हैं, और ये लोग कॉलेज के स्टूडेंट होने के बाद बोर हो चुके हैं, इन्हें स्पाइस अप करना। डैम जापान, You are doing a very good job। और सामने वाली पार्टी के कपल्स को देखो, दोनों एकदम फटे तक मैच्योर है, और ये बंदा तो साफ साफ देखने से पता चलता है ये यहाँ पे काटने के लिए आया है, एक नंबर का हरामी कैरेक्टर। इसका नाम रईतो है, और इसको ज्यादा देर तक देखने से पता नहीं क्यों मुझे घबराहट सा फील हो रहा है, मुझे मोलेस्टेड फील हो रहा है। इसके साथ किसी को नहीं छोड़ सकता, मैं खुद नहीं रहना चाहूंगा। बट अगेन, जिस चीज के लिए मैं इस मांगा को रीड कर रहा था वो चीज इसमें मिल रही है। नेक्स्ट 15 चैप्टर्स तक कुछ भी नहीं है, सिर्फ होलसमनेस। आप भूल जाओगे कि आप NTR रीड कर रहे हो। एक सुपर स्वीट डेट, ज्वेलरी शॉप पे जाना, शॉपिंग करना, नाश्ता पानी करना, केक खाना, और जब सब कुछ हो जाता है, थक जाते हैं, लास्ट में एक डिनर करना बड़े से अमीरों वाले रेस्टोरेंट में, और उसके बाद डिस्कस करना कि कौन पैसे देगा, मैं दूंगी, आधा आधा करेंगे। दिस फील्स लाइक अ डैम गुड रोमांटिक मांगा। और तभी बैम, ये मांगा अपने ट्रू कलर्स दिखाने लगती है। लिटरली शुरू कर देते हैं वो लोग जो काम के लिए वो आए थे। और चलो इसमें सेनपा या कोई भी नहीं बोल सकता कि ये गलत कर रहे हैं, वही करने ये लोग आए ही थे, बट कैमरा लगाने का क्या सेंस है? कैमरा लगा के मतलब क्यों? जो करने आए हो वो करो ना। स्टिल जो फर्स्ट फैबिंग मटेरियल्स था वो मैं कहूंगा अच्छा था, इंजॉयबल था। अगर आप इसे भूल जाओ कि ये एक NTR है और इसके बाद क्या होने वाला है उसे भी इग्नोर करो तब। अब जब वो दोनों कॉलेज स्टूडेंट्स घर पे आते हैं जिसका लड़की का नाम होता है किस है, तो वो लोग जो है फुल डिटेल शेयर कर रहे होते हैं कैसे क्या हुआ था। ऑनेस्टली लड़का जो है वो बहुत ज्यादा खुश है, होना भी चाहिए। वो जो खुश है कि उसकी बंदी उसके पास वापस आ चुकी है, और अब उसका ये फिर से करने का भी प्लान नहीं है। थैंक गॉड इसको एक मांगा फ्रीक नहीं बना के रखे, उसको एक परवर्ट नहीं बना के रखे, और पागल सनकी सा कैरेक्टर नहीं दिखा के रखे, एक जेन्युइन लड़के जैसा। अगर होता तो वैसे वो पहले ही नहीं भेजता, बट स्टिल अभी भी थोड़ी बहुत अकल बची है बंदे में। बट ऑन दी अदर हैंड जो लड़की है किस है, वो बहुत ही ज्यादा सस एक्टिंग कर रही है। और सबसे ज्यादा सस्पिशियस तो ये लगता है कि जब उसका आर्ट वर्क आता है उसके पेट पे एक दिल बनाया जा रहा है और धड़कन का साउंड इफेक्ट लिखा हुआ है। डैम, एट दिस मोमेंट मैं इस मांगा को कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे पता चल रहा है कि इसमें कितनी ज्यादा लड़के की बैंड बजने वाली है। मुझे पता था स्टार्टिंग में कि बजेगी, बट इतनी गंदे वाली बजेगी,
नहीं मुझे नहीं पता था, बिकॉज भाई लिटरली वो लड़की चेंज होने लगी है। वो अब डोमिनेटिंग हो गई है, हाथ वाथ पकड़ने में पहले शर्माती थी, अब वो फ्लैशिंग ओवर फ्लैशिंग कपड़े पहनने लगी है। की से वो परफ्यूम को यूज करने लगी है जो कि रेटो को पसंद था, मतलब वो स्वैपिंग डेट वाले लड़के को, और वो बोलती है कि चलो हम इसे एक और बार करते हैं बट इस टाइम चारों साथ में रहेंगे। और वो चाहती है कि उसे पता चले किसे किस तरीके की है उसके जो बॉयफ्रेंड। और वहां जाते ही फैबिंग मटेरियल तो चालू हो जाता है, बट हमें ये जरूर पता चल जाता है कि किसे अब बिल्कुल भी वैसी नहीं है जैसी वो पहले हुआ करती थी। मतलब रेटो ने लिटरली उस लड़की को बर्बाद करके रख दिया है, उसे ऐसी ऐसी चीजों में डाल दिया है जिसकी उसने कभी इमेजिन भी नहीं की थी। और एक और बहुत ही बेकार चीज क्लाइमेक्स में जो कि मुझे अनबेरेबल लगी कि किसे के बॉयफ्रेंड को कुछ काम नहीं करना, वो सिर्फ यहाँ खड़ा है, वहां खड़ा है, वाइन पी रहा है, देख रहा है। ये सीरीज इतनी फक्ड अप हो दी जा रही है कि सेनपाई को आदत नहीं है, और यही सब कारण है जिसके वजह से मुझे एनटीआर पसंद बिल्कुल भी नहीं है। इसमें अच्छे अच्छे रिलेशनशिप, अच्छे अच्छे मैरिड लाइफ की बैंड बजा दी जाती है, और विच इज जस्ट सैड, जिसको देखने में बिल्कुल मजा आ नहीं सकता। एनीवेज लास्ट में चीजें और भी ज्यादा दिमाग के ऊपर से और बेकार होने लगती है, बिकॉज वो जो कॉलेज कपल था तो की से अब प्रेग्नेंट है रेटो से, और वो अभी भी पागलों जैसे बोल रही है कि सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, ये जस्ट एक लास्ट राउंड मुझे करने दे। इसके बाद तो मेरा मोबाइल फेंकने का मन कर रहा था, अब नहीं झेलना होता मुझे। और थैंकफुली ये जो है लास्ट के पैनल भी थे, बिकॉज वी ऑल नो कि अब ये लिटरली इम्पॉसिबल हो चुका है कि वो लोग दोनों एक नॉर्मल कपल्स की तरह रहे, और खास कर की से जिसको आदत पड़ चुकी है, एक ड्रग एडिक्ट की तरह बन गई है, वो अब एक नॉर्मल लाइफ को एक्सपेक्ट कर पाए। इस मांगा के सिर्फ 51 पेजेस हैं, और इसमें सिर्फ 10-15 पेजेस को छोड़ के पूरे टाइम मुझे बस सैड महसूस हुआ है, पूरी उदासी महसूस हुई है लड़के के लिए, और दैट इज वाई आई लव वनीला होलसम मांगास जो कि आपको फील गुड करवाए। भाई ये सब धोखेबाजी तो मैं असली जिंदगी में देख के पक ही चुका हूँ ना, मुझे नहीं देखना। और एनीवेज ये थी ये मांगा गर्लफ्रेंड स्वैप नॉट लाइक दिस। अगर आप रीड करना चाहते हो बी माई गेस्ट करो, आर्टवर्क सच में बहुत कमाल का है, पर स्टोरी लाइन आपको उदास करके रख देगी। बट अगर आप कुछ अच्छा रीड करना चाहते हो तो मेरी फेवरेट डोलजींस के ऊपर मैंने वीडियो बना के रखी है, उसको जरूर चेकआउट कर लेना, टॉप 10 है, बहुत ही कमाल की डोलजींस है, और सभी के सभी शेफ किसेस है। फर्स्ट टाइम ट्राई किया हूँ डोलजींस के ऊपर वीडियो बनाना, रिव्यू देना, तो कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगता है, आपका फेवरेट जॉनरा क्या है, और क्या आप भी एनटीआर एंजॉय करते हो या अगली बास्टर्ड, कमेंट करके जरूर बताना। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, पीस।